सो हेलो गाइस, सॉलिड सीरीज का एपिसोड 242 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 242 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आगे की स्टोरी को भी मैं नोवेल वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ट्रेलर के शुरू होते ही हमें हाउथियन सेक्ट और तैंग सेक्ट के चारों क्लैंस को दिखाया जाता है। शायद एपिसोड 241 या 242 में हाउथियन सेक्ट और मेडिसिन क्लैन के बीच झड़प होने वाली है, जिसे शांत कराने के लिए सभी एल्डर्स आगे आ गए हैं। इस सीन में तैंग जियाओ यांगवुदी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि वे बीते समय की घटना को भूल जाए। उस समय उन्हें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हाउथियन सेक्ट निश्चित रूप से करेगा। तैंग जियाओ की बात सुनकर यांगवुदी आग बबूला हो जाते हैं और अपना सॉल ब्रेकिंग स्पेयर सीधा तैंग हाओ के ऊपर तान देते हैं। 20 साल पहले जब तैंग हाओ ने क्यान जुनजी को पीट कर घायल कर दिया था और फिर कुछ समय बाद क्यान जुनजी मारे गए थे, तब मार्शल सोल एम्पायर के एल्डर्स तैंग हाओ से बदला लेने के लिए हाउथियन सेक्ट में आ घुसे थे। तैंग हाओ की वजह से चारों सपोर्टिंग क्लैंस को हाउथियन सेक्ट में पनाह मिली थी, लेकिन जब हाउथियन सेक्ट ने तैंग हाओ को गद्दार घोषित करके हाउथियन सेक्ट से बेदखल कर दिया था, तो फिर चारों सपोर्टिंग क्लैन के लिए भी हाउथियन सेक्ट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। हाउथियन सेक्ट का साथ छूटने के बाद मार्शल सोल एम्पायर ने चारों सपोर्टिंग क्लैंस को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इस झड़प में यांगवुदी के भाई की मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं को दोबारा याद करके यांगवुदी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि आप मेरे भाई के मौत का भरपाई कर सकते हैं। ऐसा कहकर यांगवुदी गुस्से में अपना सॉल ब्रेकिंग स्पेयर तैंग हाओ के ऊपर चला देते हैं, पर तभी तैंग सैन वहाँ पर पहुँच जाता है और तैंग हाओ पर लगने वाला सॉल ब्रेकिंग स्पेयर अपने सीने में ले लेता है। भारा लगने के बावजूद भी तैंग सैन एल्डर यांगवुदी को समझाते हुए कहता है कि अगर आप नफरत करना चाहते हैं तो फिर मुझसे नफरत करिए, मेरे फादर से नहीं। अब अपने क्लैन चीफ तैंग सैन के सीने से खून टपकता देखकर तैंग क्लैन के बाकी एल्डर्स यांगवुदी को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं और उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि वे खुद को संभाले और होश से काम ले, आवेग में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। भले ही यांगवुदी कितने भी अग्रेसिव बिहेवियर के क्यों ना हो, वे बिल्कुल भी तैंग सैन से हाउथियन ट्राइब का बदला नहीं लेना चाहेंगे। दूसरी तरफ तैंग सैन घायल होने के बावजूद भी यांगवुदी को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता रहेगा। और रही बात तैंग हाओ की, तो वे अभी भी चारों सपोर्टिंग क्लैंस पे बीते दुख का जिम्मेवार खुद को मानते हैं। इसी वजह से तैंग सैन के सीने से खून निकलने के बावजूद भी वे यांगवुदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और दुखी होकर तैंग सैन की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्यान रेंजू को दिखाया जाता है। क्यान रेंजू का 9 ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और वो एक गहरे काले रंग के जगह पे पहुंच चुकी है, जहां पे चारों ओर सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है और दूर कहीं कहीं पे कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। इस जगह पे जहां जहां क्यान रेंजू जा रही है, बस वहीं पे उसे रोशनी दिख रही है। आगे बढ़ते हुए क्यान रेंजू को ऐसा फील होने लगता है कि इस जगह पे कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ही खाली जगह पे पहुंच चुकी है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका 9 ट्रायल किस चीज़ से जुड़ा है। क्यान रेंजू को एंजल गॉड की बस एक ही बात याद आ रही होती है, जो कि एंजल गॉड ने क्यान दौलियो से कही थी। एंजल गॉड ने क्यान दौलियो से कहा था कि क्यान रेंजू को अपनी 9 ट्रायल को पास करने के लिए उसके मन के 3 दुर्गम बाधाओं को जीतना होगा, पर वे 3 दुर्गम बाधाएँ क्या है इस बारे में क्यान रेंजू को कोई आइडिया नहीं है और अब क्यान दौलियो भी उसकी मदद करने के लिए जिंदा नहीं है। इसलिए क्यान रेंजू के ये तीनों टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें शावू और बाकी स्ट्रेक्स को दिखाया जाता है। इस वक्त शावू तैंग सैंग के सीगोट बनने में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोच रही होती है। तैंग सैंग ने पहले ही मन बना लिया था कि वो इस लड़ाई को जीतने के लिए बाकी दोनों ट्रायल्स को जरूर कम्प्लीट करेगा, इसलिए शावू भी मन ही मन ठान लेती है कि वो तैंग सैंग को हर हाल में सपोर्ट करेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करेगी। ट्रेलर की सीन में ऑस्कर किसी को बाय बाय करता दिखाई पड़ता है, यानी कि शायद तैंग सैन अपने हाउथियन हैमर के लिए बाकी 5 सॉल रिंग्स को हासिल करने के लिए निकल चुका है। सो गाइस, यहीं पे एपिसोड 242 का ट्रेलर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नया एनिमे लवर है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।